हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सभी को माँ कालका का भोग कैसे बनता है और माँ कालका को बहुत ज़्यादा प्रिय कौन सा भोग है वो बताने जा रहा हूँ। सो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ भोग को। तो माँ कालका के भोग के लिए हम लोगों को जो जो सामग्री चाहिए वो ये है। देसी घी चाहिए, पंचमेवा चाहिए, 2 बतासे चाहिए, 1 कलावा चाहिए, बोरा चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए और थोड़ी सी चीनी चाहिए और 5 या फिर जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी इलायची और जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी लौंग और 1 गोला चाहिए। और उस भोग को बनाने से पहले आप सभी को माँ कालका के प्यारे प्यारे से दर्शन तो कराने बनते हैं। ये देखिए हमारी माँ भगवती, सोनी सोनी माँ भगवती। तो सबसे पहले हमने गोला लिया है और उसमें डाली है पंचमेवा और अब हम डालने जा रहे हैं बताशे। बताशे हम पूरे नहीं डालेंगे, हम तोड़ के डालेंगे। हम थोड़े से बताशे डालेंगे दोनों में से और जो ये टूटा हुआ है ये भी माँ के भोग में ही जाएगा। अब हम डालेंगे लौंग और इलायची जो मैंने जितनी क्वांटिटी में निकाली है, आप कितनी भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं 5 जोड़े लौंग के और 5 इलायची ले रहा हूँ। अब हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल और बूरा। मैं माँ कालका का ना भोग हाथ से ही तैयार करता हूँ। ये हमने बूरा भर दिया है और हम इतना ही भरेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके देसी घी। हम थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि जब हम माँ को भोग देंगे हम अग्यारी में तो ऊपर से हम इसमें देसी घी डालेंगे ताकि माँ अच्छे से भोग ले सके। तो देखिए दोस्तों, हमारा माँ कालका का भोग बनके हो चुका है तैयार। अब हम माँ कालका को भोग कैसे लगाते हैं ये आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, माँ का भोग ऐसे अग्यारी में लगाया जाता है और इसमें अब जोत लगानी है बस। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, माँ भगवती अपना भोग ले रही हैं और आप लोग भी अपने घर पर ऐसी ही भोग लगा सकते हैं माँ कालका को। और ये भोग माँ को बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप लोग भी माँ भगवती को ऐसी ही भोग लगा सकते हैं।